Four police officials of Haryana police came under scanner for using third degree torture on Kishan Kumar, whom they had arrested for alleged theft. The police not only beat up Kumar badly in the lockup, but also crossing all limits of brutality, administered electric shock in his private parts. ढाई तीन साल हो गए मैं किसी बनिया सामान लेकर आए जाए करता तो लगातार जा रहा था तो उसका सजारी पेमेंट लेकर आया तो पेमेंट रास्ते में निकल गई या कोई गिर गई अच्छा उस बारे में हमने बनिया से कहा भाई मेरा ऑटो रख लो और इसे कागज रख लो मैं बाद में अपने घर के बुला लूँ और आके आपका जो पेमेंट मेरे से गिरी है मैं दूँगा आपकी तो इसी मामले में पुलिस वाले उसने मेरे को मारपीट की बनिया ने साथ में क्या नाम है पुलिस वाला बुला लिया पुलिस वाले को 5-10 हज़ार रुपये निकाल लें घोज में उसके क्या नाम उसने सिटी थाना में ले जा गए और मेरे को करंट लगा दिया ये आके पीछे करंट लगा दी मेरे को अच्छा फिर उसके बाद मेरे को मारा पीटा वहाँ पे किसने लगाया ये पुलिस वाले ने लगाया जी ले जाकर थाने में सिटी थाना में ले जाके करंट लगाया तो मनोज हवलदार था एक नरेंद्र हवलदार है Kumar lodged a complaint narrating his woes. The incident, which took place a week back, has not yet received any attention from the police department. Kumar alleged that the police was trying to hush up the case. Kishan jo auto chalak hai kitna kar rehne wala hai usne complaint ki hai SP sahab ke paas aur usne aarop lagaye bhai police ke mulazim aur ek Jagdish Aarti hai sabzi mandi ka unhone iske sath maar pitai kari hai aur iske bare mein jaanch chal rahi hai गवाहों के कथन वगैरह अंकित किए जा रहे हैं और डॉक्टरी रिपोर्ट भी इसमें प्राप्त की जाएगी पुलिस हाई हैंडेडनेस इन लॉकअप्स आर नॉट न्यू इन स्पाइट ऑफ स्ट्रिक्ट डायरेक्टिव्स फ्रॉम द कोर्ट पुलिस कंटिन्यूज टू एडमिनिस्टर थर्ड डिग्री टॉर्चर ऑफन कॉजिंग कस्टोडियल डेथ्स द लीगल सिस्टम विल हैव टू फॉर्मुलेट स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट फॉर दोज पुलिसमैन हु इंडल्ज इन द थर्ड डिग्री टॉर्चर ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ इंटरोगेशन Unless the police will be accountable, the gap between people and the police will never end.